अभी तक आपने पार्ट वन में देखा, हम हरिद्वार मैच खेलना है और जो भी आज सबसे कम रन बनाएगा और सबसे कम विकेट लेगा वो आज गंगा जी में नहाएगा। और हमारी टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है और हमने 50 रन पर 5 विकेट गवा दिए अपने। और क्या यहाँ से भी हम वापसी कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए। मनीष बैटिंग पे आ गया था, उसने सिचुएशन को थोड़ा समझा और मैच को चलाना स्टार्ट किया। और जहाँ वो थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आया उसने रन भी लगाना स्टार्ट किया। और खास बात क्या है, अभी तक हमारा एक भी विकेट नहीं गिरा था पिछले 5 ओवर। और नेक्स्ट बैटिंग के लिए मैं तैयार था, पर हमने देखते देखते 140 रन बना दिए, कहा 5 विकेट पे 50 थे। और उसके साथ साथ मनीष ने अपना 50 भी किया और मेरी बैटिंग आ गई लास्ट ओवर में। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बस सोच रहा था कि 2 छक्का लग जाए तो मजा आ जाएगा आज के दिन में, पर ऐसा हो नहीं सका। मैंने 3 बोले पर 3 रन ही बनाए और हमने उन्हें 20 ओवर में 151 रन का टारगेट दिया। अब हमें गंगा जी में नहाने के लिए 2 मुर्गे फंस गए थे जो 0 पे आउट हुए थे। अब देखते हैं बॉलर्स में कौन कौन जाएंगे। उनकी बैटिंग की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, उन्होंने 6 ओवर में 60 रन बना दिए थे, पर हमारी फील्डिंग ने एक मेरा कैच, एक वासु कैच और हमारे बॉलर्स ने उन्हें 90 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। अब बारी आती है पनिशमेंट की और यार बॉलर में सबका एक एक विकेट। अब कैसे डिसाइड करेंगे पानी में जाने वाले को? क्या हम ये पनिशमेंट पूरा कर सकते हैं? पानी को देख के हमारी फट जाएगी। जानने के लिए पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में।